सेंटर फॉर ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर सुभाष चंद्र पाल, असिस्टेंट प्रोफेसर प्राचीन भारतीय इतिहास, उत्तर प्रदेश राशि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज। आप लोगों को प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के विषय में जानकारी देंगे, जिसके विषय में हम पिछले क्लास में कुछ जानकारियां दे चुके थे आपको। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत की जानकारी हमें तीन साक्ष्यों से प्राप्त होती है। पहला है साहित्यिक साक्ष्य, दूसरा है विदेशी यात्रा विवरण का साक्ष्य, तीसरा है पुरातात्विक साक्ष्य। साहित्यिक साक्ष्य में हमें जो जानकारी मिलती है वह हमें मिलती है धार्मिक साहित्य से, लौकिक साहित्य से। धार्मिक साहित्य के अंतर्गत हमें प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जो स्रोत की जानकारी मिलती है वह है ब्राह्मण साहित्य। दूसरा, पहला है ब्राह्मण साहित्य, दूसरा है ब्राह्मणेतर साहित्य। ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत आता है वेद, जिसको कहते हैं ज्ञान, जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है वह वेद। और दूसरा है उपनिषद, उपनिषद के द्वारा हम शिक्षा ग्रहण करते हैं समीप बैठ कर, पास बैठ करके। तीसरा है आरण्यक, चौथा है पुराण, पांचवा है स्मृत, छठा है रामायण, सातवा है महाभारत। अब लौकिक साहित्य के अंतर्गत जो हमें प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत की जानकारी होती है वह है ऐतिहासिक ग्रंथ, दूसरा है जीवनी ग्रंथ, तीसरा है गल्प साहित्य। अब विदेशी यात्रा विवरण के द्वारा हमें प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। विदेशी यात्रा विवरण के तहत हमें तीन लेखकों द्वारा जानकारी प्राप्त होती है। पहला है यूनानी रोमन लेखक, दूसरा है चीनी लेखक, तीसरा है अरबी लेखक। यूनानी रोमन लेखक के अंतर्गत आते हैं टेसियस, जो कि ईरान के रहने वाले थे, हेरोडोटस, जिसको इतिहास के पिता कहा जाता है, तीसरा है सिकंदर के साथ आने वाले विद्वान। सिकंदर जब भारत आया था तो उसके साथ आने वाले विद्वान थे नियारकस, आने सिक्रिटस एवं अरिस्टोबुलस। फिर अगला है मेगस्थनीज, मेगस्थनीज ने क्या लिखा था, इंडिका के लेखक मेगस्थनीज हैं। अगला है डाइमेकस, ये यूनानी रोमन लेखक थे। अगला है डायोनोसियस, फिर अगला है टालमी, जिसको ज्योग्राफी के लेखक कहते हैं, और फिर अगला है प्लिनी, नेचुरल हिस्टोरिका के लेखक प्लिनी कहा जाता है। चीनी लेखकों ने क्या, कौन में कौन कौन है जो हमें जानकारी देते हैं प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में, पहला है फाहियान, दूसरा है सुंग युन, तीसरा है वेनसांग, चौथा है इसिंग। अरबी लेखकों में कौन कौन हमें जानकारी देता है, पहले है तारानाथ, तारानाथ जिसको तिब्बती कंग्यूर व तंजूर के लेखक कहा जाता है। दूसरा है अलबरूनी, जिसको कहते हैं तहकीके ए हिंद के लेखक, अलबरूनी तहकीके हिंद के लेखक थे। वेद भारत के सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ हैं, जिनका संकलन महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास के द्वारा किया गया था। वेद का अर्थ ज्ञान है, नॉलेज, जिसको नॉलेज कहते हैं। इनमें आर्यों के आगमन व बसने की जानकारी मिलती है। वेद में हमें क्या क्या जानकारी मिलती है, आर्य कब आए थे और कहाँ बसे थे मिलती है। ये चार प्रकार के हैं। पहला है ऋग्वेद, ऋग्वेद के तहत हमें कौन कौन सी जानकारी मिलती है, यह प्राचीनतम वैदिक ग्रंथ है, इसकी रचना सप्त सैंधव क्षेत्र में हुई थी। वेद, ऋग्वेद क्या है, यह प्राचीनतम वैदिक ग्रंथ है, इसकी रचना सप्त सैंधव वेद में क्षेत्र में हुई थी। ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 श्लोक, 1017 सूक्त तथा 11 बालखिल्य
तथा लगभग 10,600 मंत्र हैं। ऋग्वेद में अग्नि, सूर्य, इंद्र, वरुण देवताओं की स्मृति में रची गई प्रार्थनाओं का संकलन है। दसवें मंडल में पुरुष सूक्त का उल्लेख आता है, जिसमें चार वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र का उल्लेख है। गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवस्व तस्विदुर्वर्ण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात का उल्लेख ऋग्वेद में है। यह मंत्र सूर्य की स्तुति में है। सूर्य की जो आराधना करते हैं, सूर्य की जो पूजा भारतीय लोग करते हैं, उसको हम ऋग्वेद से लेते हैं। यजुर्वेद अगला है। यजुर्वेद यज का अर्थ यज्ञ है। यजुर्वेद यज का अर्थ यज्ञ है। इसमें यज्ञों के नियम व विधि की चर्चा की गई है। मतलब भारतीय लोग कैसे यज्ञ करें, उसके नियम को बताया गया है यजुर्वेद में। इसमें यज्ञों के नियम व विधि की चर्चा की गई, कैसे हम यज्ञ करें, विधि विधान से करें, उसका भी नियम यजुर्वेद के तहत बताया गया है, जिसको कहते हैं यज्ञ। यजुर्वेद कर्मकांड प्रधान ग्रंथ है। यह क्या है? कर्मकांड प्रधान। जैसे धर्म में पूजा पाठ को हमें किस तरह करना चाहिए, और उसका भी एक कर्मकांड होता है, और किस तरह उसके रीत रिवाज के द्वारा कैसे हम पूजा पाठ करें, कर्म कांड के तहत यजुर्वेद में कहा गया। इसका पाठ करने वाले ब्राह्मणों को अर्धवर्यु कहा गया है। पूजा पाठ कराने वाले ब्राह्मणों को क्या गया? अर्धवर्यु कहा गया। यजुर्वेद दो भागों, पहला है कृष्ण यजुर्वेद जिसको गद्य में लिखा गया, दूसरा है शुक्ल यजुर्वेद जिसको पद्य में विभक्त किया गया है। यजुर्वेद एकमात्र ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में रचा गया है। यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में रचा गया है। यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में रचा गया है। अगला है सामवेद। साम शब्द का अर्थ गीत ही है, जिसे गा करके हम किसी चीज को बताते हैं। जिन ऋचाओं के ऊपर साम गाए जाते हैं उनको सामग्रीति कहते हैं। यह भारतीय संगीत का स्रोत माना जाता है। जैसे हम जो गाना, संगीत, स्वर, लय ये सब करते हैं, सामवेद के तहत आता है। सामवेद के पुरोहित को उद्गाता कहा जाता है। सामवेद के जो पुरोहित लोग होते हैं उसको हम उद्गाता कहते हैं। अथर्व अगला है। अथर्ववेद। अथर्व शब्द का तात्पर्य पवित्र व जादू है। अथर्व वेद में रोग निवारण, राजभक्ति, विवाह, प्रणय गीत, अंधविश्वासों का वर्णन है। इसमें राजा परीक्षित को कुओं का राजा कहा गया है। अब वेद, उपवेद व विवरण। वेद के उपवेद भी होते हैं और उसमें विवरण क्या क्या है इसका, इसके विषय हम जानकारी प्राप्त करेंगे। वेद ऋग्वेद का उपवेद क्या होता? आयुर्वेद। आयुर्वेद की जो जानकारी हमें मिलती है वह ऋग्वेद की होती है। आयुर्वेद के जो आज के समय में जड़ी बूटी है और उससे हमें जो इलाज होता है वह ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद। इसके प्रणेता कौन है? धन्वंतरी। इसमें किस चीज़ का विवरण किया? चिकित्सा शास्त्र से संबंधित। जो हम चिकित्सा शास्त्र से संबंधित आयुर्वेद का जड़ी बूटी से जो हम सामग्री जुटाते हैं वह ऋग्वेद के अंतर्गत है। वह आयुर्वेद जिसको आयुष भी कहते हैं। धन्वंतरी पढ़े आयुर्वेद, ऋग्वेद के उपवेद आयुर्वेद, इसके पढ़ेता धन्वंतरी। विवरण क्या है इसमें? चिकित्सा शास्त्र से संबंधित। दूसरा है यजुर्वेद। यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद, उसके पढ़ेता विश्वामित्र। इसमें किस चीज़ का उल्लेख किया गया? विवरण किसका? युद्ध कला से संबंधित।
अगला है सामवेद। सामवेद का उपवेद क्या है? गांधार्व वेद। इसके प्रणेता कौन है? भरत मुनि। विवरण इसमें क्या दिया? कला एवं संगीत से संबंधित, यानी कला और संगीत की जानकारी हमें सामवेद से मिलती है। युद्ध कला से संबंधित जानकारी हमें यजुर्वेद से मिलती है। और चिकित्सा शास्त्र से संबंधित जानकारी हमें ऋग्वेद से मिलती है। अगला है अथर्ववेद। अथर्ववेद का उपवेद कहा जाता है शिल्प वेद को। इसके प्रणेता कौन है? विश्वकर्मा। इसमें किस चीज़ का विवरण दिया गया है? भवन निर्माण कला से संबंधित। हमें भवन निर्माण कला से संबंधित जानकारी किसे मिलती है? अथर्ववेद में। फिर अगला है ब्राह्मण ग्रंथ। प्रत्येक वेद को गद्य रचना ही ब्राह्मण ग्रंथ है। प्रत्येक वेद के साथ कुछ ब्राह्मण जुड़े हुए हैं। वेद ब्राह्मण, ऋग्वेद कौशितकी व ऐतरेय ब्राह्मण कहा जाता है। यजुर्वेद को तैत्तरीय व शतपथ ब्राह्मण कहा जाता है। सामवेद को पंचविश व जैमिनी ब्राह्मण कहा जाता है। अथर्ववेद को गोपद ब्राह्मण कहा जाता है। आरण्यक, आरण्यक कहता है, आरण्यक शब्द अण्य से बना है जिसका अर्थ जंगल आवलिक वन है। आरण्यक दार्शनिक ग्रंथ है जिनके विषय आत्मा परमात्मा जन्म मृत्यु पुनर्जन्म आदि हैं। ये ग्रंथ जंगल के शांत वातावरण में लिखे जाते थे एवं इनका अध्ययन भी जंगल में किया जाता था। आरण्यक ज्ञान मार्ग व कर्म मार्ग के बीच एक सेतु का कार्य करते हैं। अगला है उपनिषद। इनका शाब्दिक अर्थ उस विद्या से है जो गुरु के समीप बैठकर एकांत में सीखा जाता है। उपनिषद की शिक्षा गुरु के समीप शिष्य बैठकर शिक्षा ग्रहण करता है जो उपनिषद के अंतर्गत आता है। इसमें आत्मा और ब्रह्मा के संबंध में दार्शनिक चिंतन है। ये भारतीय दार्शनिकता के मुख्य स्रोत हैं। उपनिषदों की संख्या 108 है। इन्हें वेदांत भी कहते हैं क्योंकि ये वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है और ये वेदों का सर्वोच्च व अंतिम उद्देश्य बतलाते हैं। सत्यमेव जयते भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य मुंडकोपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते जो भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है किससे लिया गया? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अगला है वेदांग। वेदों का अर्थ समझने व सूक्तियों के सही उच्चारण के लिए वेदांग की रचना की गई। जो वेदों के अर्थ को अच्छी तरह समझने और सूक्तियों के सही उच्चारण के लिए वेदांग की रचना की गई। शिक्षा वैदिक वाक्यों के अस्पष्ट उच्चारण हेतु इसका निर्माण हुआ है। कल्प वैदिक कर्मकांडों को संपन्न कराने हेतु विधि व नियम कल्प के अंतर्गत आते हैं। व्याकरण इसमें नामों व धातुओं की रचना उपसर्ग प्रत्यय के प्रयोग हेतु नियम का उल्लेख किया गया है। निरुक्त शब्दों की व्युत्पत्ति हेतु नियम यह भाषा शास्त्र का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। छंद वैदिक साहित्य में गायत्री त्रिष्टुप जगति बृहति का प्रयोग किया जाता है। ज्योतिष इसमें ज्योतिष शास्त्र के विकास को दिखाया गया है। इसके प्राचीन आचार्य लगथ मुनि थे। सूत्र इसके बाद आता है सूत्र यज्ञों के विधा के नियमों का संक्षेप में तथा व्यवस्थित रूप से प्रतिपादित करने के लिए कल्प सूत्रों का जन्म हुआ। ये चार प्रकार के हैं। पहला है स्रोत सूत्र। इनमें ब्राह्मण ग्रंथों में वर्णित स्रोत यानी वैदिक अग्नि में किए जाने वाले यज्ञ यागादिक अनुष्ठानों का वर्णन है। गृह सूत्र इनसे मनुष्य के समस्त लौकिक तथा पारलौकिक जीवन से संबंधित कर्तव्यों का वर्णन है। इसमें गृह अग्नि में होने वाले यज्ञों का तथा उपनयन विवाह श्राद्ध आदि संस्कारों का विवरण है। धर्म सूत्र में क्या आता है?
इनमें चार वर्णों तथा चारों आश्रमों के कर्तव्यों, विशेष रूप से राजा के कर्तव्यों का विवेचन प्राप्त होता है। इसके साथ ही यह विभिन्न प्रकार के धार्मिक, सामाजिक तथा राजनैतिक कर्तव्यों, अधिकारों तथा कानूनों का वर्णन करता है। सूर्य सूत्र इनमें वेदी निर्माण की रीति का विशेष रूप से वर्णन है। आर्यों के प्राचीनतम ज्यामिति संबंधी कल्पनाओं तथा गणनाओं के प्रतिपादक होने के कारण इनका अपना वैज्ञानिक महत्व है। आगे है पुराण। प्राचीन आख्यानों से युक्त ग्रंथ को पुराण कहते हैं। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा विवरण पुराणों में मिलता है। पुराणों के रचयिता लोमहर्ष अथवा उनके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। इनकी कुल संख्या 18 है। इनमें सर्वाधिक प्राचीन व प्रामाणिक मत्स्य पुराण है, जिसमें विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख किया गया है। पुराण राजवंश, विष्णु पुराण, मौर्य वंश, मत्स्य पुराण, आंध्र सातवाहन वंश, वायु पुराण, गुप्त वंश। अगला आता है खड़ दर्शन, या आत्मा परमात्मा जीवन मृत्यु से संबंधित है। खर दर्शन में क्या क्या उल्लेख है, इसमें आत्मा क्या होती है, परमात्मा क्या होती है, जीवन मृत्यु से संबंधित जानकारियां होती है। दर्शन और प्रवर्तक, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है, कपिल मुनि। योग दर्शन के प्रवर्तक पतंजलि। वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कणाद। न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम। पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक जैमिनी। उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक वादरायण, जिसको व्यास भी कहते हैं। अमरकोश में पुराणों के 5 विषय बताए गए हैं। पहला है सर्ग, जगत की सृष्टि। जगत की सृष्टि का उल्लेख सर्ग में किया गया है। प्रतिसर्ग, प्रलय के बाद जगत की पुनः सृष्टि। वंश, ऋषियों और देवताओं की वंशावली। मनवंतर, जिसको महायुग कहते हैं। वंशानुचरित, प्राचीन राजकुलों का इतिहास। अब अगला था रामायण। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी। इसे चतुर्विशत सहस्त्री संहिता भी कहा जाता है। रामायण को चतुर्विशत सहस्त्री संहिता भी कहा जाता है। अगला है महाभारत। इसकी रचना महर्षि व्यास ने की थी। महाभारत को जय संहिता और सत सहस्त्री संहिता के नाम से भी जाना जाता है। अगला है स्मृति ग्रंथ। इन ग्रंथों को धर्मशास्त्र के रूप में जाना जाता है। इनमें सामाजिक नियम बताए गए हैं। कुछ प्रमुख स्मृतियां निम्न हैं। अगला है स्मृति ग्रंथ। इन ग्रंथों को धर्मशास्त्र के रूप में जाना जाता है। इनमें सामाजिक नियम बताए गए हैं। कुछ मुख्य स्मृतियां निम्न हैं। पहला है मनुस्मृति, जिसको प्राचीन स्मृति भी कहते हैं। दूसरा है विष्णु स्मृति। तीसरा है याज्ञवल्क्य स्मृति। चौथा है गौतम स्मृति। पांचवा है नारद स्मृति। छठा है वशिष्ठ स्मृति। नारद स्मृति में गुप्त वंश का विवरण प्राप्त होता है। गुप्त वंश का विवरण किस में प्राप्त होता है, नारद स्मृति में। इसके प्रमुख टीकाकार भारुचि, मेधातिथि, गोविंदराज व कुल्लुक भट्ट थे। अगला है ब्राह्मणेतर साहित्य, इसमें आते हैं बौद्ध ग्रंथ। महात्मा बुद्ध के परिनिर्वाण के पश्चात उनके समस्त उपदेशों को 3 भागों में संकलित किया गया, जो त्रिपिटक के नाम से विख्यात हुआ। पहला है विनय पिटक। इसमें बुद्ध द्वारा उपदिष्ट संघ संबंधी नियम व आचार की शिक्षाएं हैं। इसके संकलनकर्ता उपाली थे। दूसरा है सुत्त पिटक। त्रिपिटक में सबसे बड़ा तथा सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इसके संकलन
कर्ता आनंद थे। इसे बौद्ध धर्म का शब्दकोश कहा जाता है। सुत्त पिटक को बौद्ध धर्म का शब्दकोश कहा जाता है। अगला है सुत्त पिटक। धार्मिक सिद्धांतों में संबंध भगवान बुद्ध के प्रवचनों का संग्रह है। सुत्त पिटक में ही धार्मिक सिद्धांतों में संबंध भगवान बुद्ध के प्रवचनों का संग्रह है। तीसरा है अभिधम्म पिटक। इसमें बुद्ध के दार्शनिक सिद्धांत समाहित हैं। इसके संकलनकर्ता मोगली पुत्र तिस्य थे। इस पिटक में सर्वप्रथम संस्कृत भाषा का प्रयोग हुआ था। त्रिपिटकों में से विनय पिटक तथा सुत्त पिटक का संकलन बुद्ध के परिनिर्वाण के कुछ ही सप्ताह पश्चात 483 ईसा पूर्व में प्रथम बौद्ध संगीत में हुआ। अभिधम्म पिटक का संकलन अशोक के शासनकाल में 251 ईसा पूर्व में बौद्धों के तृतीय संगीत में हुआ, जिसके अध्यक्ष बौद्ध भिक्षु मोगली पुत्र तिस्य थे। त्रिपिटकों की भाषा पाली थी। त्रिपिटक के अतिरिक्त दीपवंश, महावंश तथा मिलिंद यहाँ बौद्ध ग्रंथ हैं। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। अगला है जैन ग्रंथ। अधिकांश जैन ग्रंथ प्राकृत व पाली भाषा में है। जैन साहित्य को आगम के नाम से जाना जाता है। परिशिष्ट पर्वण, भद्रबाहु चरित, आवश्यक सूत्र, आचरांग सूत्र, भगवती सूत्र, कालिका पुराण कुछ विशेष जैन ग्रंथ हैं। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास भद्रबाहु द्वारा रचित कल्प सूत्र से ज्ञात होता है। भगवान महावीर के जीवन कार्यों का विवरण भगवतीसु में मिलता है। पुराणों में जैन साहित्य को चरित कहा गया है। चरित संस्कृत के साथ साथ प्राकृत तथा अभ्रंश भाषा में भी लिखे गए हैं। लौकिक साहित्यों के अंतर्गत विभिन्न ऐतिहासिक तथा अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथों का अध्ययन किया जाता है। ऐसे साहित्य को धर्मोत्तर साहित्य कहते हैं। अर्थशास्त्र की रचना चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री विष्णुगुप्त, जिसको चाणक्य व कौटिल्य नाम से भी जाना जाता है, ने की थी। अर्थशास्त्र को भारत का प्रथम राजनैतिक ग्रंथ माना जाता है। अर्थशास्त्र में मौर्यकालीन समाज, राजनीतिक व्यवस्था, अर्थव्यवस्था का विवरण प्राप्त होता है। अष्टाध्यायी संस्कृत व्याकरण का प्रसिद्ध ग्रंथ है। अष्टाध्यायी इसके रचयिता पाणिनि हैं। पाणिनि का समय काल 400 ईसा पूर्व के आसपास माना जाता है। इस ग्रंथ से पूर्व मौर्यकालीन भारत की राजनैतिक दशा पर प्रकाश पड़ता है। वार्तिक संस्कृत व्याकरण का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है। इस ग्रंथ के रचयिता कात्यायन है। कात्यायन का समय काल 300 ईसा पूर्व के आसपास माना जाता है। वार्तिक ग्रंथ से मौर्यकालीन भारत को राजनैतिक दशा का वर्णन प्राप्त होता है। महाभाष्य पाणिनि के अष्टाध्यायी पर यह विशालकाय टीका है। इस ग्रंथ के रचयिता पतंजलि हैं। इनका समय काल 150 ईसा पूर्व के आसपास यानी द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व माना जाता है। पतंजलि शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। इस ग्रंथ से आरंभिक शुंग कालीन शासकों के संबंध में महत्वपूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है। अगला पांचवा है मालविकाग्निमित्रम। कालिदास द्वारा रचित
प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व का यह नाट्य ग्रंथ प्रारंभिक शुंग राजाओं के विषय में महत्वपूर्ण ज्ञान देता है। कुछ विद्वान कालिदास का समय गुप्त काल मानते हैं, परंतु स्वर्गीय क्षेत्रेश चंद्र चट्टोपाध्याय तथा स्वर्गीय यनियम घोष जैसे विद्वान उनका समय प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व मानते हैं। छठा है दिव्यावदान ललित विस्तार महावस्तु, संस्कृत भाषा में लिखित बौद्ध ग्रंथ है। इन बौद्ध ग्रंथों से मौर्य तथा शाक्य राजवंशों के परंपराओं पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। सातवां है दीपवंश महावंश, यह पाली भाषा में लिखित सिंहलीय बौद्ध ग्रंथ है। इन बौद्ध ग्रंथों से भी मौर्य कालीन व शाक्य कालीन परंपराओं का विवरण मिलता है। छठा है बुद्ध चरित्र, कनिष्क के दरबारी कवि अश्वघोष द्वारा प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में रचित ग्रंथ है। बुद्ध चरित्र कनिष्क के दरबारी कवि अश्वघोष द्वारा प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में रचित ग्रंथ है। इस ग्रंथ की भाषा संस्कृत है। यह ग्रंथ गौतम बुद्ध के विविध चरित्रों का वर्णन प्रस्तुत करता है। बुद्ध चरित्र में हमें गौतम बुद्ध के विविध विभिन्न चरित्रों का वर्णन प्रस्तुत करता हुआ प्राप्त होता है। अगला है मुद्रा राक्षस, विशाख दत्त द्वारा रचित ऐतिहासिक नाटक है। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त द्वारा रचित ऐतिहासिक नाटक है। इस ग्रंथ की रचना 500 ईस्वी के आसपास हुई। इस ग्रंथ के माध्यम से नंद राजाओं तथा चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित इतिहास पर प्रकाश पड़ता है। आठवां मृच्छकटिकम, मृच्छकटिकम महाकवि शूद्रक द्वारा रचित ग्रंथ है। मृच्छकटिकम में गुप्तकालीन भारत का वर्णन प्राप्त होता है। नौवां है रत्नावली प्रियदर्शिका नागानंद, सम्राट हर्षवर्धन इनका समय है 606 से 648 ईस्वी द्वारा प्रणीत ये नाट्य कृतियाँ सातवीं शताब्दी के इतिहास पर रोचक प्रकाश डालती हैं। इन ग्रंथों की रचना सातवीं शताब्दी के पूर्वार्ध में हुई थी, यानी प्रारंभ में। दसवां है हर्षचरित, सम्राट हर्षवर्धन के राजकवि बाणभट्ट द्वारा रचित ग्रंथ है। इस ग्रंथ से हर्षकालीन भारत के इतिहास पर प्रकाश पड़ता है। विक्रमांक देव चरित, अगला है विक्रमांक देव चरित कवि बिल्हड़ द्वारा 11वीं शताब्दी में रचित ग्रंथ है। इस ग्रंथ के माध्यम से कल्याणी के चालुक्य वंशी नरेश विक्रमादित्य खष्ट के संदर्भ में जानकारी प्राप्त होती है। विक्रमांक देव चरित में कल्याणी के चालुक्य वंशी नरेश विक्रमादित्य खष्ट के संदर्भ में जानकारी प्राप्त होती है। अब प्रमुख साहित्यिक रचनाएं, अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं पाणिनि। इसमें विशेष तथ्य क्या है, व्याकरण ग्रंथ की संस्कृत रचना है। अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं पाणिनि, इसमें व्याकरण ग्रंथ की संस्कृत रचना का उल्लेख हुआ है। मुद्रा राक्षस के रचनाकार कौन है, विशाख दत्त, इसमें मौर्य काल के बारे में पर्याप्त जानकारी प्राप्त होती है। महाभाष्य के रचनाकार पतंजलि हैं, इसमें पुष्यमित्र शुंग के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। कथा सरित सागर के रचनाकार
सोमदेव हैं, इसमें मौर्य काल के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। बृहत कथा मंजरी के रचनाकार क्षेमेंद्र हैं, इसमें मौर्य काल के विषय में जानकारी मिलती है। अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र के रचनाकार कौटिल्य हैं, इसमें मौर्य काल के विषय में बृहत जानकारी मिलती है। नीतिसार, नीतिसार के रचनाकार कामंदक हैं, इसमें गुप्तकालीन राजतंत्र पर जानकारी प्राप्त होती है। मालविकाग्निमित्रम के रचनाकार कालिदास हैं, इसमें शुंग वंश के बारे में जानकारी मिलती है। मृच्छकटिकम के रचनाकार शूद्रक है, इसमें गुप्तकालीन समाज का वर्णन किया गया है। हर्षचरित के रचनाकार बाणभट्ट हैं, इसमें हर्ष की उपलब्धियों का वर्णन किया गया है। रामचरित इसके रचनाकार संध्याकर नंदी हैं, इसमें बंगाल के शासक रामपाल की जीवन कथा का उल्लेख किया गया है। बारहवां है पृथ्वीराज रासो, इसके रचनाकार चंदवरदाई हैं, इसमें पृथ्वीराज चौहान की उपलब्धियों का वर्णन किया गया है। अगला है राज तरंगड़ी के रचनाकार कल्हड़ हैं, इसमें कश्मीर के राजवंशों की क्रमबद्ध जानकारी प्राप्त होती है। धन्यवाद, धन्यवाद दोस्तों, आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आपको इससे जानकारी प्राप्त होगी।